हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आया हूं एक हेडसेट माइक्रोफोन। बेसिकली दोस्तों जैसे कि भी आपने गुड न्यूज़ सुनी ही होगी, यहां पे फेसबुक पे मैंने वीडियो डाला था। अगर मुझे काफ़ी लोग जो है वो फॉलो कर रहे होंगे फेसबुक पे तो वो लोग जानते होंगे गुड न्यूज़ क्या है कि 15 तारीख से यहां पे परमिशन मिलना स्टार्ट हो गई है और काफ़ी ज़्यादा स्टेट से यानी काफ़ी सारी स्टेट से मुझे जो है अच्छी खबरें निकल के आ रही हैं कि जो परमिशन है दुर्गा पूजा और नवरात्रि की दोनों की मिल चुके हैं। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट लेके आया जाए। अब जैसे कि दुर्गा पूजा आप करते हैं या नवरात्रि करते हैं, कोई भी ऐसे नाटकीय प्रोग्राम जो करते हैं जिसमें आपको हेडसेट माइक्रोफोन की ज़रूरत हो और वायरलेस हो तो मज़ा ही हो जाए, तो इस टाइप का माइक्रोफोन मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पे आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, देखेंगे टेस्टिंग क्वालिटी वाइज कैसा है वो भी हम जानेंगे। प्राइसिंग डिटेल भी मैं दे दूंगा इस वीडियो में दोस्तों, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे बॉक्स पैकिंग पे क्या क्या डिटेल्स हैं। तो न्यूटन प्लस की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, मॉडल नंबर सिंपल सा मेंशन करा हुआ है NE10000 Pro के नाम से। यहाँ पे हैंड प्लस और ये हेड वाला आता है, तो ये वाला जो यूनिट है वो हेड वाला है यहाँ पे। तो अभी हम इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये फ्लैट केस में आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है और मजबूती का ध्यान रखा गया है, यानी सेफ्टी का जो है वो बेसिकली ध्यान दिया गया है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं यहाँ से, तो ये कुछ इस टाइप से वो ओपन होगा। तो यहाँ पे ये सारी यूनिट इसके अंदर रखे हुए हैं, आपको ये देखने को मिल जाता है। तो मैं इसके अंदर से निकाल के दिखाता हूँ ये सारी की सारी यूनिट्स। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये है सारा का सारा एक्सेसरीज, और यहाँ पे क्या क्या है एक्सेसरीज में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे ये रिसीवर को। तो यहाँ पे ये रिसीवर आता है, इसके अंदर आपको छोटी सी एक LCD पैनल देखने को मिलेगा न्यूट्रॉन प्लस की। इसमें भी यहाँ पे आपको ब्रांडिंग है, यहाँ पे ये बैटरीज चलते हैं। बैटरीज जो है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे मेंशन करा हुआ है और बैटरीज में ध्यान दे रहे हैं, यानी डालते वक्त जो है वो साइन को ध्यान देना है, क्योंकि मैं भी पहली बार मिसमैच हो गया था और काफ़ी परेशान हुआ था। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से जो है वो ऑन हो जाता है। बैक साइड पे इसका ये होल्ड हो जाता है, जो कि आप इसको पैंट में या पीछे किसी भी पॉकेट में आप इसको हैंडल कर सकते हैं, जो कि ईजिली हो जाएगा। ये इसका एंटीना है और यहाँ पर मिनी XLR सॉकेट दिया गया है, जो कि मिनी XLR यहाँ पर आपको ये हेडसेट के माइक में मिल जाता है। तो ये जो है वो मिनी XLR आप देख सकते हैं, ये कुछ इस टाइप से होता है। तो ये जाके ये यहाँ पे लगता है, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये यहाँ पे हो जाता है। अब ये लॉक हो गया। अब मिनी XLR का फ़ायदा क्या है उसके बारे में डिटेल में आपको मैं बात करूँगा यहीं पे। आपको बाकी ये आपको जैक टू जैक जो है वो 1 से 1.5 मीटर की वायर मिल जाती है, प्लस इसके अंदर आपको फ्लैट केस माउंट करने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी रिसीवर को ये आपको एडाप्टर मिल जाता है, जो कि ये रिसीवर का एडाप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ये एंटीनाज मिल जाते हैं 2। बाकी सारी की सारी एक्सेसरीज जो है वो मैं फिट करके आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये सारा का सारा, ऑन कैसे प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी टाइम आता है यहाँ पे हम इसको ऑपरेट कैसे करें, चलाएं कैसे, कैसे इजी वे में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ऑन करना है, आपको ये मैंने ऑन करा है यहाँ से और यहाँ पे ये ऑन हुआ। तो हमारा जो फर्स्ट वाला माइक्रोफोन है ये तो देखिए कनेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो आपको ये देख सकते हैं 763, उस पर देखिए 763 मेंशन है हमारे रिसीवर पे, और इस पर भी आपको 763 मेंशन है। अब हमारा जो सेकंड वाला है वो हम ऑन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ऑन करा, ये मैंने ऑन करा 745, बट हमारे रिसीवर में जो है वो 748 है। तो हमें इसे सेट कैसे करना है सिंपली गाइस, अगर आपको नंबर से मैन्युअली सेट नहीं करना है तो आपको करना क्या है, इस वाले पोर्शन को खोलना है जहाँ पर हमारा बैटरी सेक्शन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये रेड कलर का कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पे बिंदु सी दिख रही है। अब ये बिंदु क्या है, ये दोस्तों है IR सेंसर। अब IR सेंसर क्या है कि हमारे रिसीवर प्लस ट्रांसमीटर में दोनों में लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये IR सेंसर मेंशन है। तो हमें सिंपल करना क्या है गाइज, आपको ये सेट वाला बटन दबाना है, ठीक है ना। ये यहाँ से मैंने सेट वाला बटन दबाया और आपको ये IR सेंसर पे इसको यहाँ से ऐसे कर देना है। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली मैच हो गया। अब इसको आप बंद कर दीजिए और यहाँ से माइक्रोफोन से आप कुछ भी बोलेंगे, मैं देखिए बोल रहा हूँ तो ये जो लेवल है
वो बढ़ रहा है। अब दोनों चैनल जो है वो कनेक्ट है। अब इसके अंदर दोस्तों आपको वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ये जो आपको दो बटन्स मिल रहे हैं अप एंड डाउन के, दोनों चैनल में आपको दिए गए हैं, तो इससे आप जो है वो वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी कनेक्शन और इजी वे में दिया गया है कि आप नॉर्मल से नॉर्मल, अगर फर्स्ट टाइम कोई अगर ऐसे माइक्रोफोन को सेट कर रहा है या चला रहा है तो उसे बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने देखी हमारी माइक्रोफोन की सारी डिटेल्स, यहाँ पे ऑपरेट कैसे करें ये भी मैंने आपको बताया। अभी जो टेस्टिंग से पहले है वो मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रिक्वेंसी रेंज का, तो दोस्तों ये 500 से लेके 690 मेगा हर्ट्स पे काम करता है। यहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों उसकी डायनेमिक रेंज, तो ये 100 डीबी पे वर्क करता है। और दोस्तों यहाँ अगर मैं बात करूँ ऑडियो रिस्पॉन्स की, तो ये 80 से लेके 18 किलो हर्ट्स की फ्रिक्वेंसी पे, यानी प्लस माइनस 3 डीबी पे जो है वो उसका वेरी करता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ बैटरी लाइफ की, दोस्तों इसकी जो बैटरी लाइफ है यहाँ पे हमारे जो ट्रांसमीटर की बैटरी लाइफ है वो 10 से 15 घंटे है जो ऑन पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल अगर इसे देखें तो मैं आपको सजेशन दूंगा 10 घंटे आपको आराम से दे देगा। डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी की क्वालिटी कैसी रहने वाली है। यही बाकी अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो ट्रांसमीटर जो वो यहाँ पे प्लास्टिक में यूज करा गया, बाकी यहाँ पे ये एक मुझे फीचर जो है वो अच्छा लगा जो कि इसमें मिनी XLR पोर्ट दिया गया है, तो इससे जो ऑडियो क्लैरिटी होगा, जो ऑडियो में परफॉर्मेंस होगा वो हमें अच्छा सुनने में मिलेगा। यही अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये जो मेटल है ये पूरा मेटल रखा गया, बाकी काफी ज्यादा जो है वो वजन में दे दिया गया है, तो ये एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं या फिर माइनस पॉइंट भी आप कह सकते हैं, लेकिन वजन में इसका काफी ज्यादा रिसीवर का जो है वो वेट मुझे यहाँ पे लगा। बाकी दोस्तों अभी टाइम आता है इसकी आउटडोर टेस्टिंग का, और टेस्टिंग से पहले दोस्तों एक डिटेल मैं आपको और दे दूं, कुछ डिटेल्स यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, जो कि आपको और ज्यादा डिटेल्स में जाना हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे हम इसकी आउटडोर टेस्टिंग देखते हैं कैसी क्वालिटी है और क्या रेंज पे देता है, कैसी क्वालिटी वो भी हम देख लेते हैं। तो गाइज अभी जो टेस्टिंग है वो हम करेंगे, साथ में हमारे ये वर्कर है तो ये भी हमारे साथ में जाएगा। तो एक माइक्रोफोन इनने प्लेसमेंट करा हुआ है, एक मैंने प्लेसमेंट करा हुआ है, तो दोनों की टेस्टिंग मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं टेस्ट करके नहीं गया था, यानी चेक करने के लिए गया था। रेंज देखिए, और यहाँ पे अभी गाड़ियों का आना जाना है, भीड़ भाड़ भी है थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेशन ये दूंगा, मास्क जरूर पहने, ये हम लोग ध्यान से रखते हैं। तो अब जो है वो ऑडियो हम देखेंगे और सेफ्टी के साथ रखते हुए हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो चलिए और दोनों जो है वो टेस्टिंग हम देखते हैं। हेलो हेलो वन टू, और काफी दूर तक है, मतलब अभी आप देख सकते हैं ना भीड़, पब्लिक जो है वो बीच में से अभी आ रही है, और इससे पहले जो टेस्टिंग करा था उसमें भी काफ़ी पब्लिक थी। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि सिग्नल लॉस कम करेगा ये आपको, मींस कि सिग्नल लॉस आप अगर पब्लिक में है, भीड़ भाड़ इलाके में है, जैसे इवेंट होते हैं वैसे भीड़ भाड़ इलाके में सिग्नल लॉसेस के चांसेस रहते हैं, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। काफ़ी दूर आ चुके हैं, ये अप्रोक्सीमेट 50 अबव है ये, और गाड़ियाँ भी जा रही हैं मेरे आसपास से, और बीच में जो है वो डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल एंड टू एंड पे आ चुका हूँ। हेलो वन, ये मेरे को आप देख सकते हैं ब्लैक टी शर्ट में ले, और काफ़ी दूर था ये, अबव 80-90 मीटर के समथिंग में गया हूँ, 80-90 मीटर से भी दूर गया हूँ अगर मैं अपने इलाकों को सही से जानता हूँ, या फिर अगर हम देखें 90 मीटर का मंडल जो आता है ले, आप ही आ गया। हेलो चेक, हेलो वन टू, क्वालिटी जो है वो पसंद आई होगी, लाइक करना शेयर करना वीडियो को। चलिए प्राइसिंग डिटेल्स बाकी सारे डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। जैसे कि दोस्तों अभी आपने आउटडोर टेस्टिंग देखा और यहाँ पे ये रेंज में काफ़ी अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी, जैसे कि बीच में से बाइक्स भी जा रही थी, लोग भी गुजर रहे थे, यहाँ पे ऑटो भी जा रहा था, तो बीच में ये सिग्नल लॉस के चांस हमें नहीं देखने को मिले। यानी ज़्यादातर जो मेजोरिटी अगर आप देखेंगे माइक्रोफोन्स मार्केट में जो है उसमें आप देखेंगे कि रेंज तो अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे बीच में से कोई भी बाइक या फिर भीड़ भाड़ इलाका होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो सिग्नल लॉस होने के स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर
सर ये मुझे एक अच्छा लगा कि ऐसा कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगा। दूसरा बात कि ये XLR मिनी XLR दिया गया तो क्वालिटी इनहेंस मिलेगा। प्लस इसके अंदर मेरे को एक चीज और एक्स्ट्रा लगा जो कि इसका वॉइस क्वालिटी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रांसमीटर है या तो इसको मतलब इंप्रूव करके दे रहा है या फिर हमारा रिसीवर का खेल है कि रिसीवर जो है वो इंप्रूव करके दे रहा है। मतलब जो आप वॉइस इसके अंदर बोलेंगे वो एग्जैक्टली वॉइस नहीं होगा, उसको इनहेंस करके उसके अंदर थोड़ा सा आपको जब सुनेंगे तो हल्का फुल्का सा आपको मिठास सा भी सुनाई देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रेंज का तो 290 से 100 मीटर के बीच में गया था। कंपनी ने खुद बोला है कि 100 मीटर की फुल की गारंटी है, 100 मीटर तक जाएगा बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना किसी लॉस सिग्नल के। तो एक ये मेरे लिए अच्छा पॉइंट है। यहीं अगर मैं बात करूँ दोस्तों दूसरा पॉइंट इसका कि इसका बैटरी परसेंटेज आपको प्लस इसमें भी दिखाई देगा। अगर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको ट्रांसमीटर भी दिखाई देगा, प्लस आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको रिसीवर भी इसका बैटरी सेल जो है वो दिखा रहा है। तो यानी ये जो पॉकेट में हम डाल देते हैं इसको, तो पॉकेट में क्या रहता है कि आप तो बार बार जाके चेक नहीं करेंगे या फिर बंद हो रहा है तो ये चेक नहीं करेंगे कि सेल का प्रॉब्लम है। आपको आपके रिसीवर पे ही पता लग जाएगा कि ये ऑन है या ऑफ है या फिर बैटरी का प्रॉब्लम है। तो वो सारी डिटेल्स आपको आपके रिसीवर पे डिस्प्ले पे ही शो होगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग डिटेल। तो दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो 11,000 रुपये रखी गई है। रही बात दोस्तों आपको कैसे अवेलेबल होगा, तो ये होम डिलीवरी के साथ अवेलेबल है, तो आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। और नीचे हमने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों है, तो आप नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको ये घर तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी कॉम्पैक्ट साइज है, इसके साथ फ्लैट केस भी आता है। इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।